जय माता दी भक्तों, आज हम बात करेंगे किसके इंतजार में कुंवारी बैठी है आज भी माता वैष्णो देवी। शुरू करते हैं। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से तीन पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है जो भगवान राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत होने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनन्य विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, आप उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पंडित रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। जय माता दी।